गाइस वेलकम बैक कुछ अलग मेरा फ्रेश वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपके साथ चार ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि अभी जो वेडिंग सीजन चल रहा है इस टाइम में बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी बिल्ड कर रहे हैं, बहुत दिक्कत आती है क्योंकि आप कहीं पर जाना है, आपकी कुछ प्लानिंग नहीं है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आपकी कंसिस्टेंसी को मेनटेन करने में। तो आज की इस वीडियो में वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को एंड आप अपनी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं कैलिफ इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी आपका डाउट होता है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चलिए आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तरीके की हम बात करेंगे दैट इज प्लान अहेड। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि अगर आप चीज़ों को प्लान करते हैं तो आपके लिए वहाँ पे कंसिस्टेंसी बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, बट अगर आपकी कोई भी प्लानिंग नहीं है तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता क्या करना है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है ये आपके ऑलरेडी दिमाग में होना चाहिए, या फिर आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट डे ये करना है, ये मील कंज्यूम करनी है, ये वर्कआउट करना है, यहाँ पे जाना है, ये काम करना है। तो वो सब आपका ऑलरेडी प्लान होना चाहिए ताकि वो आपका हेल्प करेगा उस चीज़ को बिल्ड करने में एंड आप उसको सस्टेन कर पाएंगे। तो कभी इंडिया में वेडिंग सीजन चल रहा है तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, आपको चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो वो दिक्कत करती है आपके फिटनेस गोल को अचीव करने में। सेकंड टिप की हम बात करेंगे दैट इज़ नैरो डाउन योर फोकस। तो यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, जब भी कोई फिटनेस गोल बनाते हैं तो वहाँ पे वो हर एक चीज़ पे पहले दिन से ही फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे यही करना है, ये डाइट फॉलो करनी है, ये वर्कआउट करना है, ये ऐसे सोना है, इस टाइम पे सोना है, अब मुझे बाहर का नहीं खाना, ये सब चीज़ें वो दिमाग में लेके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उनको स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन टाइम टू टाइम वो उन चीज़ों पर रिग्रेट करने लग जाते हैं कि उन्होंने ये ऐसे क्यों किया, ये किया, तो वो चीज़ उनकी गड़बड़ कर देती है उनकी लाइफ स्टाइल को बिल्ड करने में। तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको एकदम से सब कुछ ही छोड़ना, आपको धीरे धीरे लाइफस्टाइल बिल्ड करने पे काम करना है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आप स्टार्टिंग में अपने स्टेप्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि आप फर्स्ट वीक में अपने स्टेप्स के ऊपर ध्यान देंगे कि आपको हर दिन अपने स्टेप्स पूरे करने हैं, या फिर आपको हर मील में प्रोटीन कंज्यूम करना है। इस तरीके से आप फोकस करेंगे छोटे छोटे गोल्स पे और जब वो आपके हैबिट में ऐड हो जाता है, आपके रूटीन में ऐड हो जाता है, देन आप उसमें एक और एडिशनल कोई भी एक गोल बिहेवियर ऐड कर सकते हैं ताकि आप उसके साथ में कंसिस्टेंट रहें एंड उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर पाए। थर्ड टिप में हम बात करेंगे दैट इज़ डोंट थिंक यू आर ए परफेक्शनिस्ट। क्योंकि लोगों दिमाग में रहता है कि 4 दिन वो जिम चले गए या फिर 4 दिन उन्होंने डाइट फॉलो कर ली, उनको लगता है कि अब तो मुझे सब कुछ आ गया, डाइट में अपनी कर लूँगा, ट्रेनिंग में अपनी कर लूँगा, सब कुछ मैं कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा अगर आप इसी माइंड सेट के साथ रहेंगे तो ये आपको प्रोग्रेस करने से रोकता है। आपको अपना एक ओपन माइंड रखना है कि आई एम रेडी टू लर्न, आई एम रेडी टू टीच अदर्स, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना। जो आप सीखेंगे वो आप दूसरों को सिखा सकते हैं या दूसरों से आप सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपको ओपन माइंडेड रहना है ताकि आप दूसरों से सीखें, उसको अपने फिटनेस गोल के लिए अप्लाई करें एंड धीरे धीरे करके वो आपकी हैबिट में ऐड हो जाएगा एंड वो आपकी हेल्प करेगा आपकी कंसिस्टेंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। फोर्थ पॉइंट की हम बात करेंगे दैट इज़ गेट रिड ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे लोग ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं कि वो लगते हैं कि हमें 6 महीने में ऐसी बॉडी बना लूँगा, मैं साल में ऐसी बॉडी बना लूँगा, मेरे को एब्स चाहिए, मेरे को बड़े बड़े बाइसेप्स चाहिए, वो अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं वो भी छोटे टाइम के अंदर। आपको यहाँ पे चीज़ समझनी होगी कि जो अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने में हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपको रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं जिनको आप धीरे धीरे के फॉलो कर पाएँ, क्योंकि आपका एक लाइफ स्टाइल है, कोई 6 महीने का साल का गोल नहीं है, आप एक लाइफ स्टाइल बिल्ड करने फोकस करना है, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग पेन फ्री जॉइंट्स रखने हैं, मसल बिल्ड करनी है, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, स्टेमिना बिल्ड करना है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। छोटे गोल मत रखिए, बड़े गोल रखिए, बस उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अचीव कीजिए, क्योंकि वो छोटी छोटी अचीवमेंट आपको मोटिवेट करेंगी आपको उसी रूटीन के साथ कंसिस्टेंट रहने में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो गाइस ये थे वो 4 टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी कि आपको हर चीज़ को पहले से प्लान करना चाहिए, आपको ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करना, आपको छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना है, धीरे धीरे आपको बिहेवियर में उनको ऐड करना है। इसके अलावा आपको ये नहीं सोचना कि मुझे सब कुछ आता है, आपको चीज़ें सीखनी है एंड उसको देन अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, आप रियलिस्टिक गोल्स रखिए, उनको धीरे धीरे अचीव कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इस तरह का आपको कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस तरह की मैं और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। इसके अलावा मुझे आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड मैं यहाँ पर भी डाल दूंगा, वहाँ पर भी जाकर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ पर भी फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन स्टे स्ट्रांग।